नाउ इट्स ओके, अभी आ रहा है, नाउ इट्स ओके, चलिए अभी ठीक है, अभी आ रहा है, ओके, थैंक यू गाइस फॉर लेटिंग मी नो कि साउंड जो है वो नहीं आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, आज के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिजनेस लाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे पहले एक आर्टिकल के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था, आप लोगों को अगर समय मिले तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा, एक एडिटोरियल जो है द हिंदू में निकला था, मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि उस दिन मेरा क्लास नहीं हुआ था। ये आर्टिकल है 5th of June 2020 का ये आर्टिकल है, और इनको आप में से कोई पहचानता है? ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर आपके लेफ्ट हैंड पर, आप जब पढ़ रहे होंगे स्क्रीन में तो आपको आपके लेफ्ट हैंड पर दिखाई पड़ रहा होगा, डू यू नो, डज एनी वन ऑफ यू नो हु इज दिस, कौन है ये जिनका ये फोटो है? अचिल इन यूएस चाइना रिलेशंस, अ बाइनरी चॉइस बिटवीन द यूएस एंड द चाइना इज लाइकली टू टेस्ट इंडियाज कैपेसिटी टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी। जो एडिटोरियल था वो इस पॉइंट पर था कि भारत को अगर कल को चुनना पड़ जाए चाइना और ट्रंप में से किसी एक को, ठीक है, ट्रंप और जो है यानी कि अमेरिका और चाइना में से अगर किसी एक को चुनना पड़ जाए भारत को, तो भारत के लिए क्या स्थिति होगी, फिर कैसे उस स्थिति को इंडिया जो है वो कंट्रोल करेगा, ये बेसिकली जो है वो आपका क्वेश्चन था। तो अब मसला ये है कि इस मामले पर जो है वो इन्होंने एक एडिटोरियल निकाला है, और ये एडिटोरियल जो है वो आपका बहुत ही बढ़िया, इसमें नॉलेजेबल कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप में से कोई जानता है कि ये पर्सनैलिटी है कौन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? बताइए, जी आप बताइए, कोई भी नहीं जानता आप में से कौन है ये व्यक्तित्व, इस पर्सनैलिटी का क्या नाम है? ये है मिस्टर विजय गोखले, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, यानी अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, और इनको काफी अच्छा अनुभव है यूएस और चाइना दोनों जगह काम करने का, ठीक है। तो विजय गोखले जी का जो है ये आपका कह सकते हैं नोबेल प्राइज विनर नहीं है धर्मलाल कुमार जी, ये विजय गोखले जी हैं IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के जो है ये आपके मेंबर रह चुके हैं और भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी हाल में इनका टेन्योर समाप्त हुआ है। तो इन्होंने ये एडिटोरियल निकाला है जिसमें इन्होंने कहा है अ स्लू ऑफ रीसेंट अनाउंसमेंट ऑन चाइना बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द कॉम्पिटिशन बिटवीन द US एंड चाइना इज लाइकली टू शार्पन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। On May 29, the Trump administration said it would revoke Hong Kong's special trade status under US law. तो basically इन्होंने बताने की कोशिश करी है अपने editorial में कि जो US और China के relationship हैं वो एक cold war की स्थिति पर पहुंच जाएंगे post COVID world में, यानी COVID-19 के खत्म होने के बाद जो स्थिति होगी उसमें। तो ऐसी स्थिति में भारत को चुनना होगा कि वो इनमें से किसके साथ जाना चाहता है, लेकिन अगर भारत के पास ये स्थिति आ जाए कि उसको चुनना पड़ जाए और किसी एक ही को चुनना पड़े पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो ये भारत की जो ऑटोनॉमी है यानी जो उसकी स्वायत्तता है और उसका जो स्ट्रैटेजिक और डिसीजनल ऑटोनॉमी है उसको जो है वो दर्शाएगा। अब भारत किस तरीके से डिसीजन लेगा इस तरीके की दुनिया में जबकि US और चाइना एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हों, तो ये एडिटोरियल आप लोग जरूर पढ़िएगा, 5 जून का ये एडिटोरियल है, ठीक है, मुझे मौका लगेगा तो मैं भी जरूर इसको आपको करा दूंगा एनालाइज, क्योंकि 5 जून को मेरा क्लास नहीं हुआ था, 4 और 6 को हुआ था, इसीलिए हो सकता है कि ये क्लास जो है वो मैं आपका ना ले पाया, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आज के द हिंदू न्यूज पेपर पर, गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट अलाउज फर्म्स टू नेगोशिएट विद स्टाफ ऑन लॉकडाउन वेजेस। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिकाएं दायर हुई थी कि लॉकडाउन के पीरियड में भी कंप्लीट वेजेस
फुल वेजेस जो है वो स्टाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड फैक्ट्री ओनर्स एंड अदर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स टू नेगोशिएट टर्म्स एंड एंटर इनटू सेटलमेंट विद देयर वर्कर्स ऑन द पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। ठीक है, अ बेंच लेड बाय जस्टिस अशोक भूषण ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट्स लेबर्स एंड वर्कर्स। द कोर्ट, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेटर का काम किया है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आर्बिट्रेटर का काम किया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे समय में जब भी अगर आप लेबर लॉ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कई तरीके की जो है वो पार्टियाँ अवेलेबल होती हैं। एक तरफ लेबर होते हैं, एक तरफ एम्प्लॉयर होते हैं और एक तरफ थर्ड पार्टी होती है जो बीच में मीडिएट करवाती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आर्बिट्रेशन करना पड़ा है, बीच में आकर के जो है वो परिस्थितियों को सुधारना पड़ा है। द कोर्ट अर्ज एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज टू सॉर्ट आउट देयर डिफरेंसेज एंड रिज्यूम वर्क इन अ कंजेनियल एटमॉस्फेयर। द कोर्ट्स ऑर्डर केम ऑन अ बैच ऑफ पिटीशंस फाइल्ड बाय इंडस्ट्री ओनर्स अगेंस्ट अ मार्च 29 गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। यानी सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई वर्कर्स को फुल वेजेस देनी होगी। गुड मॉर्निंग रोशनी ठाकुर एंड महाप्रसाद जेना, गुड मॉर्निंग। फुल वेजेस जो है आप गवर्नमेंट को देंगे, इसको लेकर के जो आपके इंडस्ट्री ओनर का ऑर्गेनाइजेशन था वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन देते हुए कहा कि भाई आप लेबर्स के साथ एक सेटलमेंट करिए, जो भी आपको देना है उसको लेकर के आप उनसे बात करें। ठीक है, मैं भी थोड़ा लेट हो जा रहा हूँ मैडम आजकल, क्योंकि सुबह ही उसको क्रिएट करना पड़ता है, 5-10 मिनट रोज का जो है वो देगी। तो इस न्यूज़ को आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फर्म को अलाउ कर दिया है कि वो नेगोशिएशन करें, फुल वेजेस नहीं दे सकती तो कम से कम नेगोशिएट करें कि क्या होनी चाहिए वेजेस। ठीक है, अगले न्यूज पर आइए। राजनाथ सिंह रिव्यूज प्रोग्रेस विद CDS डिफेंस चीफ। CDS बोले तो CDS का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि है मिस्टर बिपिन रावत, एक्स जनरल हैं हमारे। इंडिया एंड चाइना हेल्ड अनदर राउंड ऑफ मेजर जनरल लेवल टॉक्स ऑन फ्राइडे टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ ऑन द बॉर्डर इन लद्दाख। मीनवाइल इन न्यू दिल्ली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड अनदर रिव्यू मीटिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ दीज ग्राउंड लेवल टॉक्स विद द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द 3 सर्विस चीफ्स सोर्सेस सेट। यानी एक तो आपकी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का मीटिंग, मेजर जनरल लेवल का मीटिंग जो है इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है जो कि बॉर्डर के बारे में, उसी मसले पर मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने तीनों आर्मी प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ मिलकर के दिल्ली में एक मीटिंग की है। सेपरेटली सोर्सेज सेट द लिमिटेड डिसंगेजमेंट जो हुआ है, ट्रूप जो पीछे हटे हैं बॉर्डर पे, अलग अलग जगह पर जो ट्रूप पीछे हटे हैं, ये जो आपका पेंगोंग एक लेक वाला एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो ट्रूप्स पीछे हटे हैं। लेकिन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पेंगोंग सो लेक वाला एरिया है, पेंगोंग सो लेक वाला, ठीक है ना, पेंगोंग लेक वाला Finger 5, Finger 3 ये एरिया में अभी भी जो है वो ट्रूप जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जो है अभी स्टैंड अपॉन चल रहा है। गुड मॉर्निंग अतुल गौरव। तो इसको लेकर के कल मीटिंग करी है। सोर्सेस सेट फिंगर फोर द माउंटेन स्पर एट पेंगोंग सो वेयर चाइनीज ट्रूप्स मूव्ड इनसाइड इंडियन टेरिटरी एंड दैट विल टेक टाइम टू रिजॉल्व। यानी बेसिकली वो एरिया को अगर आप देखें तो वो एरिया जो है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ये लेक का एरिया है, अब इसको अगर आप जूम करोगे मान लो ये सपोज आपका ये इधर उधर पहाड़ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे पहाड़ हैं दोनों तरफ ये, और ये बीच में जो है वो पेंगोंग लेक है आपकी, पेंगोंग लेक। मैंने आगे इमेज भी लिया है उसमें दिखाऊंगा आपको। तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, चलिए सेशन पर देखिए। तो पेंगोंग, तो ये जो आपको माउंटेन ये जो दिखते हैं माउंटेन के ये जो लेक के अंदर आ गए हैं, ये को हम इसको बोलते हैं फिंगर। ठीक है,
आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर ये फिंगर क्या है। ठीक है, ये फिंगर जो है वो क्या है पैंगोंग लेक में? तो बेसिकली ये लेक में जिस तरीके से जो आपका थोड़ा एरिया होता है ना, इस तरीके से नदी के अंदर चला जाता है। तो ये है फिंगर वन, फिंगर थ्री, टोटल 8 फिंगर है यहाँ पर। 8 फिंगर्स जो है वो इस लेक के आसपास के एरिया में पाई जाती है। मैंने आज आगे इसका इमेज लिया है, वहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो फिंगर 4 के आसपास जो है वो झाड़ ज्यादा चल रहा है पैंगोंग लेक एरिया में, बाकी जगह तो स्टैंड ऑफ हो गया है। ठीक है, व्हाट आर फिंगर्स एट पैंगोंग लेक? द चाइनीज ट्रूप्स इन लार्ज नंबर्स हैव बीन कैंपिंग एट फिंगर 4 एरिया ऑफ पैंगोंग लेक। इंडिया ऑल्सो मैच्ड दीज नंबर्स इन डिप्लॉयमेंट देयर। द पैंगोंग लेक इज डिवाइडेड इंटू 8 फिंगर्स। द माउंटेनस स्पर्स जटिंग आउट इंटू द लेक आर रेफर टू एज फिंगर्स। माउंटेनस स्पर्स जटिंग आउट इंटू द लेक, यानी ये अगर आपका लेक है तो इस लेक के अंदर जो इसके माउंटेन के शिखर हैं, या आप कह सकते हैं इसकी जो ढलान है, वो उसके अंदर चली जाती है। तो ये एक तरीके से उंगलियां जैसी लगती हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये लेक के फिंगर्स हैं। सो फार इंडिया हैज बीन कंट्रोलिंग फिंगर्स 1-4 एंड चाइना कंट्रोल्स द एरिया बिटवीन 5-8। देयर इज एन इंडियन पोस्ट नियर फिंगर 4, हाउएवर इंडिया क्लेम्स द एंटायर स्ट्रेच टिल फिंगर 8। द एरिया बिटवीन फिंगर 4 एंड 8 हैज बीन अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट एंड हैज ऑफन विटनेस्ड कन्फ्रंटेशंस। तो ये जो है वो पूरी बात है कि 4 और 8 के बीच में भी जो है इंडिया आपका क्लेम करता है, और इसी पर जो है वो अक्सर कंटेंशंस दिख जाते हैं। ये देखिए, ये लेक का वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये गूगल अर्थ का इमेज है, गूगल अर्थ इमेजेस से ये लिया गया है। ये पैंगोंग लेक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये इस तरीके से ये फिंगर्स टाइप जो है वो उसका एक है, फिंगर टाइप का ये जो है वो आपका एक जगह है। ये फिंगर्स ही हैं, ये टोटल गिनती में जो है वो 8 हैं, और यहीं पर जो है वो आपका सारा मसला चल रहा है। प्रकृति ने कितना कुछ दिया है लेह लद्दाख में, लेकिन सिर्फ ये छोटे छोटे दिक्कतों की वजह से जो है वो आपका पूरा एरिया वहां पर जो है वो चलते रहते हैं कन्फ्रंटेशन पैंगोंग लेक एरिया। ठीक है, ये आपके इमेजेस हैं, दीज आर द फिंगर्स। तो इनमें से ये 4 का एरिया जो है वो कंट्रोल करता है इंडिया, 4 को कंट्रोल करता है चाइना, और 4 और 5 के बीच में 1-4 इंडिया, 5-8 चाइना, लेकिन इंडिया पूरा 1-8 तक का क्लेम मारता है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में जो जगह है वो डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगले न्यूज पर आइए, बिजनेस न्यूज है दोस्तों। ये बिजनेस न्यूज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिजर्व सर्च 8.2 बिलियन इन अ वीक एक्सीड्स $500 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो बढ़ करके $500 बिलियन हो गया है। पिछले हफ्ते $8.2 बिलियन की इसमें बढ़त आई थी, और ये तब हुआ है, ये सब तो तब हुआ है जबकि भारत का रुपया 6% तक गिरा है। ठीक है, 2020 में भारत का रुपया 6% तक गिरा है, उसके बाद भी ये बढ़त देखने को मिली। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस $500 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्ड्स अप अ वॉर चेस्ट इवन एज द रुपी हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मर अमंग इमर्जिंग मार्केट करेंसीज सिंस द COVID-19 आउटब्रेक वॉज डिक्लेयर्ड अ पैंडेमिक इन मार्च। ठीक है, तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहुंच गया है $500 बिलियन के पास। कब? जबकि भारत का रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक रहा। द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम RBI शोड दैट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व सर्ज बाय $8.2 बिलियन ड्यूरिंग द लास्ट वीक एंडेड 5 जून, द बिगेस्ट वीकली जंप सिंस September 2007 टू $500.02 बिलियन। The increase in reserve was mainly due to a rise in foreign currency assets, which increased by $8.4 billion in the week. तो ये एक जो है वो अच्छी खबर है। अगर foreign exchange बढ़ता है तो फिर FPI भी बढ़ते हैं, foreign portfolio investment भी देश में जो है वो बढ़ता है। The RBI's
forex policy, FX policy has reverted to the Jalan Reddy policy of building high FX reserve to ensure against contagion. यानी कि अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा है तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास FPI भी ज्यादा आएगा. सर रेमिटेंस कितना परसेंट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फॉरेन रिजर्व. देखिए इस बार जो है वो रेमिटेंस के बारे में अगर महाप्रसाद जीना जी आप पूछना चाहते हैं तो इस बार रिवर्स रेमिटेंस हुए हैं ज्यादा. ठीक है, देखिए फॉरेक्स का रेमिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, आप इस बात को समझिए. फॉरेक्स जो है वो रेमिटेंस पर इतना ज्यादा कोई खास डिपेंडेंट नहीं है. बात समझ रहे हैं आप, फॉरेक्स तो है, रेमिटेंस अलग है. रेमिटेंस तो भाई विदेश में कोई काम कर रहा है अब वो इंडिया पैसे भेजेगा, तो जब वो इंडिया पैसे भेजेगा तो उसको करेंसी में चेंज करके भेजेगा ना. ठीक है, फॉरेक्स का मतलब है कि बेसिकली फॉरेन आय आपको कितनी प्राप्त हुई, कितने पेमेंट आपके ऐसे थे जो कि डॉलर्स में, यूरो में, इस सब में हुए. ठीक है, तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बड़ा है और उसके पीछे जो रीजन देखने में आए हैं उसमें रिवर्स रेमिटेंस एक रीजन हो सकता है. ठीक है, दूसरा हो सकता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इतना नहीं हुआ है लेकिन कंपनीज को ये उम्मीद रही है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये नेगेटिव ग्रोथ में नहीं जाएंगी, 0 या 0 to 1% पर आकर के ये रुक जाएंगी. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को भारत की इकोनॉमी में भरोसा बढ़ा है. ठीक है, एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट हायर फॉरेन एफएक्स, एफएक्स रिजर्व का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हायर एफएक्स रिजर्व पैराडॉक्सिकली लेड टू हायर एफपीआई इनफ्लोज बाय कंफर्टिंग इन्वेस्टर्स. वी एस्टिमेट दैट आरबीआई शुड कंजर्वेटिवली बिल्ड अप $550 billion ऑफ रिजर्व, द इकोनॉमिस्ट रोट. अभी हाल ही में विमल जालान और वाईवी रेड्डी जो कि दो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उन दोनों ने कहा था कि भारत को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. भारत के अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा होंगे तो फॉरेन जो इन्वेस्टर है उसका भारत में भरोसा बढ़ेगा. ठीक है, तो उसी को देखते हुए आरबीआई ने जो है वो अपना काम करने का तरीका शुरू किया. चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर के कैसे जो है वो बातचीत चली. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम आपको आपके स्क्रीन पर एक एनिमल का इमेज दिखाई पड़ रहा होगा, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सा एनिमल है? आप लोग जरा सोच के बताइए ये कौन सा एनिमल है. तब तक मैं आप लोगों के MCQs रेडी कर देता हूं. बताइए कौन सा एनिमल है ये. चीता का बच्चा? भाई साहब चीता का बच्चा तो नहीं है ये. ये फोटो में जरूर चीता का बच्चा लग रहा है लेकिन ये चीता का बच्चा है नहीं. महाप्रसाद जी बताइए, अतुल गौरव आप बताइए कौन है ये. एसजे मोजो ने जवाब दिया है ये है स्नो लेपर्ड. बहुत बढ़िया, ये जो आपको आपकी इमेज पर एक खूबसूरत सा स्पीसीज दिखाई पड़ रहा है ये है स्नो लेपर्ड. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को ये क्या हो गया, सुबह सुबह फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाते पढ़ाते इनको जो है वो स्नो लेपर्ड की याद आ गई. चलिए स्नो लेपर्ड को देखते हैं. द स्नो लेपर्ड पैंथेरा एंसिया ऑल्सो, ओहो, स्नो लेपर्ड पैंथेरा एंसिया ऑल्सो नोन एज द आउंस एज अ लार्ज कैट नेटिव टू द माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया. इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट. जो रेड डाटा बुक है IUCN की उसमें ये वल्नरेबल है.
Because the global population is estimated to number less than 10,000 mature individuals and is expected to decline about 10% by 2040. It is threatened by poaching and habitat destruction following infrastructural development. It inhabits alpine and subalpine zones at an elevation from 3,000 to 405,000 meter, yani 9,800 से 14,800 feet तक की ऊंचाई पर ये जानवर पाया जाता है, ठीक है? Ranging from eastern Afghanistan to Mongolia and western China. In the northern range countries, it also lives at lower elevations. ठीक है? तो ये जो आपका स्नो लेपर्ड है, ये काफी ऊंचाई पर पाया जाता है, 9,800 से 14,800 फीट, एल्पाइन और सब एल्पाइन जोन में, IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, ठीक है? IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है। अब आपको ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? अच्छा, अभी ये एंडेंजर्ड लिस्ट में भी आ गया है। SJ मोजो जी ने बताया है कि स्नो लेपर्ड जो है आपका, वो IUCN की एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आ चुका है, नॉट एक्सटिंक्ट श्रेणी में है ये भाई साहब अभी हाल में, ठीक है? नॉट एक्सटिंक्ट यानी एंडेंजर्ड हो चुका है ये। नहीं, अभी एंडेंजर्ड में नहीं है भाई साहब, ये अभी रिस्क पर है। द स्नो लेपर्ड इज नो लॉन्गर एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट इट्स पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज स्टिल एट रिस्क बिकॉज ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस, कंजर्वेशनिस्ट सेड दिस वीक। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सेड ऑन थर्सडे दैट द न्यू डेटा टेकन थ्रू 2016 प्रॉम्प्टेड द रीक्लासिफिकेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड फ्रॉम द एंडेंजर्ड लिस्ट टू वल्नरेबल कैटेगरी। वल्नरेबल कैटेगरी में है भाई साहब। SJ मोजो जी, ये जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। वल्नरेबल कैटेगरी, करेक्ट करिए आप अपना इंफॉर्मेशन। पहले ये एंडेंजर्ड में गया था, लेकिन 2016 से ये दोबारा से जो है वो वल्नरेबल में आ गया। अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने ये क्यों लिया है, ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है आज के सेशन में, क्योंकि ये जो आपका स्नो लेपर्ड है, ये इंडिया में एक ही जगह पाया जाता है और वो जगह है हेमिस नेशनल पार्क, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कहां पर पाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा वो पैंगोंग लेक के पास में मिलेगा, लेह में, ठीक है? जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है वो लेह में है, पैंगोंग लेक के करीब में। तो इट में भी पॉसिबल, ठीक है, इट में भी पॉसिबल कि एग्जामिनर का ध्यान जो है वो पैंगोंग लेक पर जाए और वो पैंगोंग लेक का नक्शा देखे और उस नक्शे में उसको हेमिस नेशनल पार्क भी दिख जाए, तो वो आपसे पूछ बैठे कि इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो मेजरली हेमिस नेशनल पार्क में पाई जाती है, ठीक है? तो आप लोग फिर उसका आंसर देने में कामयाब हो जाएंगे और इसी तरीके से जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चंस को कनेक्ट करते हैं। लद्दाख में जो है ये आपका पाया जाता है हेमिस नेशनल पार्क, और इसमें जो है वो आपका स्नो लेपर्ड मेजरली जो है वो पाया जाता है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है? हेमिस नेशनल पार्क इज अ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन द ईस्टर्न लद्दाख Union Territory of the Republic of India, globally famous for its snow leopard. ठीक है, पूरी दुनिया में जो ये पार्क आपका मशहूर है वो मशहूर है स्नो लेपर्ड के लिए।
It is believed to have the highest density of them in any protected area in the world. It is the only national park in India that is north of the Himalayas. ये भारत का, ये भी याद रखिए पॉइंट, इकलौता नेशनल पार्क है जो कि हिमालय के नॉर्थ में है, यानी कि हिमालय की रेंज को अगर आप देखें यहाँ से तो सारे नेशनल पार्क, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, सिक्किम में हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हो, कहीं भी हो, सारे के सारे इंडिया के हिमालय के साउथ में पाए जाते हैं। ये इकलौता नेशनल पार्क है जो हिमालय के नॉर्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड का डेंसिटी यहाँ पर बहुत है। इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इज नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिगुअस प्रोटेक्टेड एरिया आफ्टर द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एंड सराउंडिंग प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हेमिस नेशनल पार्क की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। यहां पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। सबसे पहले स्नो लेपर्ड का फोटो देख लीजिए। स्नो लेपर्ड जो कि IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है, पोचिंग की वजह से इसके जो हैबिटेट है, इसका जो घर है उसको नुकसान होता है। 9800 से 14800 फीट की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। ईस्टर्न अफगानिस्तान से मंगोलिया और वेस्टर्न चाइना तक जो है ये पाया जाता है। इंडिया में ये हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क ईस्टर्न लद्दाख में है जो कि पैंगोंग लेक के पास है। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, और इकलौता नेशनल पार्क है जो कि हिमालय के नॉर्थ में पाया जाता है। यानी ये आपकी जो है हिमालयन रेंज है, शिवालिक वगैरह जो रेंज है, कराकोरम रेंज, यहां पर आपका ये पार्क इकलौता नेशनल पार्क है जो कि हिमालय के नॉर्थ में है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद। द पार्क इज अ होम टू अ नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एंडेंजर्ड मैमल्स इंक्लूडिंग द स्नो लेपर्ड। हेमिस नेशनल पार्क इज इंडिया protected area inside the Palearctic ecozone, outside the Changthang Wildlife Sanctuary, northeast of Hemis, and the proposed Solhamu Cold Desert Conservation Area in Sikkim. तो जो एक Palearctic zone बन रहा है, Palearctic zone है ना, एक Palearctic zone यानी Arctic जैसा एक माहौल, तो इस पहली आर्कटिक जोन में जो हिमालय का स्लोप है उस पर, तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ ईस्ट में जो है ये इसके हेमिस के, और जो आपका सोलहामु कोल्ड डेजर्ट कंजर्वेशन एरिया जो कि सिक्किम में, ठीक है। यहां से अगर भारत को आपका नक्शा देखेंगे, ये नेपाल आया और यहां पर सिक्किम, ठीक है, फिर ये आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां पर जो है वो आपका आ रहा है सोलहामु कोल्ड डेजर्ट कंजर्वेशन एरिया। तो इस तरीके के दोस्तों जो है वो आपको इस पूरी बात को समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, एग्जाम में अक्सर जो है वो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और क्योंकि ये एरिया जो है अभी न्यूज में रहा है, इसीलिए आपको इसको जो है वो और थोड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का जनरल स्टडीज का पोर्शन, द हिंदू का पोर्शन। अब हम लोग चलेंगे अपने जो है वो MCQs की तरफ। आप लोगों के लिए MCQs है फ्रेंड्स। आप सभी लोग अनअकैडमी के प्लस पोर्टल पर हैं मेरे साथ, उमंग तिवारी हूं मैं, आपके साथ लगातार क्लासेस ले रहा हूं। आप सभी लोग अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ठीक है। फीस है 12 महीने 24 महीने का 6000 और 7200। लाइव यूटी रेफरल कोड लगाओगे तो आपको आपके फीस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका फीस हो जाएगा 5400 और 6480, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और कब हो जाएगा, जब आप मेरा रेफरल कोड लाइव यूटी अप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं आज के अपने MCQ सेक्शन की तरफ। जी हाँ, कल लक्ष्मीकांत की पॉलिटी होगी शाम को 6 से 9, ठीक है।
चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको आज के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। पूसा डिकंटेमिनेशन एंड सैनिटाइजेशन टनल हाल ही में जो है वो विकसित किया गया है, किसने विकसित किया है इसको? एसजे मोजो ने आंसर दिया है डी। देखिए इनमें से एक ही इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कि पूसा से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में IARI ने ये टनल विकसित किया है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नीति आयोग में एक मेंबर है प्रोफेसर रमेश चंद, ठीक है, फुल टाइम मेंबर है, वीके सारस्वत पॉल साहब और रमेश चंद साहब, ये तीन लोग जो हैं। तो रमेश चंद जी जो हैं वो आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में IARI के ही स्टूडेंट रहे, उन्होंने IARI से ही PhD किया है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। प्रोफेसर रमेश चंद्र जो कि नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर है, उन्होंने IARI में PhD किया है। IARI से मैं गया हूं, IARI काफी बड़ा कैंपस है, काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और भारत में आप कह सकते हैं जो हरित क्रांति रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें काफी एक मेजर रोल जो है वो उन्होंने प्ले किया। NIRDPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसने हाल ही में कोलैबोरेट किया है एक रीजनल ऑफिस से, कौन से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने टाई अप किया है टू ट्रेन कम्युनिटी लीडर्स को टीच करने के लिए, कम्युनिटी लीडर्स को ट्रेन करने के लिए। NIRDPR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने इनमें से किसके साथ टाई अप किया है? यूनिसेफ, वेरी गुड, यूनिसेफ के साथ जो है वो टाई अप किया है NIRDPR ने। NIRDPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैज कोलैबोरेटेड विद यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस द कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट ऑफ NIRDPR एंड यूनिसेफ हैदराबाद फील्ड ऑफिस हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार विच इज द मोस्ट डिजिटली स्किल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट एंड स्किल्ड जेन जी फोर्स, गार्टनर 2019 के अनुसार इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटली रूप से स्किल्ड कंट्री कौन सा है और जिसमें की जेन जी वर्कफोर्स जो हो सबसे ज्यादा है, जेन जी वर्कफोर्स। आप लोग को मैंने बताया था ना एक बार पहले भी जेन जी वर्कफोर्स क्या होती है, आंसर सही है महाप्रसाद जी का, इंडिया जो है वो इसका आंसर है, मेरा भारत, बिल्कुल सही। अब आप में से कोई बताएगा जेन जी वर्कफोर्स क्या होती है, जेन जी वर्कफोर्स क्या है? मैंने आपको बताया था जेन जी वर्कफोर्स, सॉफ्टवेयर वाले कह सकते हैं, यंग प्रोफेशनल्स को रह सकते हैं। मैराथन कल है भाई साहब 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, 6 बजे से 9 बजे तक है। SSC एग्जाम को इस चैनल पर मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, लेट्स क्रैक SSC पर भी और अपने टेलीग्राम पर भी, दोनों पर आप लोग देख लीजिए।
जैन जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी वर्कफोर्स जो कि यंग हो, 15 से 40 के बीच में हो, 15 से 45 के बीच में, और कुछ करना चाहती हो, कुछ सीखना चाहती हो। तो आज की हमारी दुनिया में जनरेशन जी जो है बेसिकली अब मानते हैं जो लोग 1995 या 1997 के बाद बोर्न हुए हैं, ठीक है, 1997 या 1995 दो फिगर है, इसके बाद जो लोग बोर्न हुए हैं यानी जो लोग अभी 22-23 साल के हैं, और मेरे ख्याल में आप में से कई लोग भी जेन जी वर्कफोर्स ही होंगे, ठीक है, जेन जी वर्कफोर्स, इनको हम कहते हैं जेन जेडर्स, जेन जीयर्स, ठीक है। तो आप लोग जो है वो कुछ 6 AM से 9 AM शाम को अतुल, 6 AM टू 9 PM, ठीक है। तो चाइना जो है उसमें सबसे ज्यादा जेन जी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा स्किल्ड कंट्री भी वही है। एज पर द गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे, इंडिया इज द मोस्ट डिजिटली डेक्सट्रस और स्किल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज द लार्जेस्ट जेन जी वर्कफोर्स who is also desirous to learn new skills and new technologies. As per the survey, 67% of digital workers in India opine that emerging technologies like machine learning, artificial intelligence and internet of things increase their efficiency at workplace. India is followed by the UK and US in the survey. India ke baad jo hai wo UK aur survey aata hai. Acha, aap only 18 hai to aap abhi, are bhai sahab, 23 से छोटे जितने भी हैं वो सर जेन जी में आते हैं, ठीक है। 23 साल से छोटा जितना भी बच्चा है, जैसे ऊपर महाप्रसाद जी ने बताया था ना चीता का बच्चा, वैसे ही 23 साल से छोटा जितने भी इंसान के बच्चे हैं वो सब जेन जी में, ठीक है। तुम केवल 18 साल के हो अतुल गौरव, और तुम बातें तो बहुत करते हो, बातें तो तुम करते हो 48 साल के हिसाब से। सर आएंगे, फिर सर का रेफरल कोड आएगा, तब जाकर के सेशन शुरू होगा। ठीक है, मैंने नहीं बोला 22 से 23, मैंने कहा 1995 या 1997 के बाद जो भी बोर्न होते हैं, जिनका उम्र 23 से कम है या 25 से कम है, वो सारे जेन जी, ठीक है। चलिए, कृषि मंत्रालय ने फूड ग्रेन्स के लिए इस बार लगभग 300 मिलियन टन जो है वो टारगेट रखा है। 300 मिलियन टन का टारगेट जो है वो कृषि मंत्रालय ने रखा है, जो अभी तक का सबसे बड़ा टारगेट है, ठीक है, अभी तक का सबसे बड़ा टारगेट है 300 मिलियन टन का, जो कि रखा है कृषि मंत्रालय। ओबिकस जो है वो एक फ्लैगशिप सर्वे है, आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म है ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, इनमें से कौन सी संस्था ने ये ओबिकस नाम का जो सर्वे है वो किया है? सेबी, आरबीआई, एनएसई या फिर सीआईआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। वेरी गुड, आरबीआई। ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ये पूरा जो है एक बैंकिंग से रिलेटेड आपका सर्वे है, जो कि आरबीआई ने किया है, ठीक है, आरबीआई ने इस सर्वे को किया है। ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम सर्वे कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज अ क्वार्टरली सर्वे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व्हिच हैज बीन कंडक्टेड बाय आरबीआई। रिसेंटली द कंट्री सेंट्रल बैंक रिलीज 49 राउंड ऑफ ओबिकस सर्वे फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च 2020। द सर्वे कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन द न्यू ऑर्डर्स रिसीव्ड, बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स, फिनिश्ड गुड एटसेट्रा। एज पर द रीसेंट सर्वे बोथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड ऑर्डर्स रिसीव्ड डिक्लाइन। ठीक है, तो फर्म्स के साथ मिलकर के, बैंक्स के साथ मिलकर के ये एक तरीके का सर्वे किया है आरबीआई ने। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है आपसे,
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये एक सोसाइटी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ये एक सोसाइटी है। क्वेश्चन ये है, कौन से मंत्रालय के तहत जो है ये सोसाइटी रजिस्टर है, कौन से मंत्रालय के तहत एसटीपीआई सोसाइटी जो है वो रजिस्टर है, ये बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आप में से जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका आंसर गलत है, इसका आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डी इसका आंसर है। माइटी, जो हमारी माइटी मिनिस्ट्री है, MEITY, माइटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके तहत जो है वो आपके रजिस्टर हैं सॉफ्टवेयर पार्क्स इन इंडिया। फेई जो कि हाल ही में अभी खबरों में रहा था, रिसेंटली जो है न्यूज में देखा गया था, इज द मैस्कॉट रिलीज फॉर विच फेमस स्पोर्ट्स इवेंट, कौन से फेमस जो है वो स्पोर्टिंग इवेंट के लिए ये मैस्कॉट बनाया गया, बताइए। सेवन का सी आंसर है, वेरी गुड। एशियन पैरालंपिक गेम्स, वेरी गुड। एशियन पैरालंपिक गेम्स का जो है वो मैस्कॉट बनाया गया है फेई। कब होने हैं आपको पता है ये गेम कब होने हैं, एशियन पैरालंपिक गेम्स कब शेड्यूल्ड हैं, ये कहां पर शेड्यूल है, कहां पर होने हैं, चाइना, वेरी गुड, चाइना में होने हैं और चाइना के हांगझू, हांगझू सिटी में जो है वो ये गेम्स होंगे। और हांगझू जो है वो चाइना की दूसरी सिटी है जो कि एशियन पैरा गेम्स को होस्ट कर रही है, इससे पहले गुआंगझू में, ठीक है, गुआंगझू में 2010 में पैरा गेम्स हुए थे, 2010 में गुआंगझू में जो है वो हुए थे, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, होने तो हैं गुआंग हांगझू में, चाइना में होने हैं, 2022 में होने हैं, लेकिन ये सब तब होगा जबकि जबकि कोरोना वायरस का वैक्सीन आ जाएगा। आप लोग हंस क्यों रहे हैं भाई, सोनिका लोहिया जी गुड मॉर्निंग, गुआंगझू की वजह से हंस रहे हैं आप लोग, भैया नाम है क्या करें। द मैस्कॉट फॉर द फोर्थ एशियन, ये जो है वो 2022 में जो है ये चौथे गेम्स हैं, इससे पहले 10 में हुए, 14 में हुए, 18 में हुए और अब 22 में हुए, ठीक है। फेई हैज बीन रिलीज्ड, द इवेंट हैज बीन स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 2020 इन हांगझू चाइना। फेई के बारे में मैं आपको बता दूं, फेई एक जो है वो मोटिफ है जो कि एक डिवाइन वर्ड से इंस्पायर्ड है, एक डिवाइन बर्ड से जो है वो आपकी इंस्पायर है, और उसका नाम है लियांगझू। लियांगझू कल्चर में जो है ये बर्ड पाई जाती है, लियांगझू कल्चर में जो है, लियांगझू कल्चर में जो है आपकी एक डिवाइन बर्ड है जिसको लेकर के ये माना जाता है कि ये बर्ड जो है वो आपकी एक डिविनिटी का प्रतीक है, और इसीलिए इसको जो है फेई नाम दिया गया, फेई, ठीक है। द फर्स्ट फेई मीन्स द बर्ड्स फ्लाइंग, इंप्लाइंग इंक्लूसिवनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, एंड द सेकेंड
फेयर रिप्रेजेंट द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द एथलीट्स। तो इसीलिए जो है वो इसका नाम रखा गया है फेयर फेयर। ठीक है, हु हैज बीन नेम्ड द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के इंडिया एनवायरमेंट नेचर एजुकेशन प्रोग्राम का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है इनमें से, बताइए। कौन है WWF के इंडिया एजुकेशन प्रोग्राम का एम्बेसडर? विश्वनाथन आनंद, वेरी गुड। इंडिया के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जो हैं, वो बनाए गए हैं इसके एम्बेसडर। वेरी गुड। यूएन की अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 की वजह से जिस बीमारी के टीके बच्चों को लगने से रह जाएंगे सबसे ज्यादा, मीसल्स, यानी मीसल्स का टीका बच्चों को लगना बहुत जरूरी है। 9वें महीने में ये टीका जो है वो लगता है, लेकिन यूएन ने कहा है कि COVID-19 की वजह से ये टीका बहुत सारे बच्चों को नहीं लग पाएगा। सोनिका लोहिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आपको शायद वेलकम नहीं किया था उस टाइम, ठीक है। चलिए, 37 कंट्री जो है वो नहीं कर पाए। 17 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हमने मनाया है 17th of April 2020। बताइए जरा इस बार के हीमोफीलिया डे का जो थीम था वो क्या था, और दूसरा आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि हीमोफीलिया जो बीमारी है वो क्या होती है, हीमोफीलिया जो आपका डिजीज है क्या है, उसके बारे में आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि कई बार जो है वो एग्जाम में डिजीज और उनके क्योर से रिलेटेड भी जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं। रोग और उनके उपचार कौन से विटामिन से होता है, डिसऑर्डर टू मेक ब्लड क्लॉट्स। बिल्कुल बढ़िया, सही जवाब है आपका। जब आपका ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं करा पाता, जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं 9-10, इनकी जो है अवेलेबिलिटी नहीं होती है, 9 और 11, क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 की कमी की वजह से खून का थक्का जो क्लॉट है वो नहीं जम पाता। ठीक है, सर ये बीमारी है जो सबको नहीं होता, फिर भी जो होता है इंसान को बस इतना ही आता है। मजाक नहीं अतुल गौरव, ज्यादा मजाक नहीं। तो ये जो आपका बीमारी है हीमोफीलिया, इसमें आपका ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, क्लॉटिंग नहीं कर पाता है आपका ब्लड, और इस वजह से आपको अगर चोट वगैरह लगती है तो बहुत दिक्कत होती है फिर उस बंदे को। ठीक है, और विटामिन के जो है वो इसमें सजेस्ट किया जाता है, विटामिन के जो है वो सजेस्ट किया जाता है, ब्लीडिंग जो है इससे रुकती है, और जो आपका ब्लड का क्लॉटिंग है, जो ब्लड का क्लॉटिंग है वो करने में कामयाब हो पाती है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बच्चों में शुरू से जो है वो इसको देखना पड़ता है, कंजेनिटल ब्लीडिंग होती है इसमें, और कई बार ये रोग जो है वो आपका क्रोनिक भी होता है, हेरिडिटिक भी होता है। ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17th अप्रैल अक्रॉस द वर्ल्ड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हीमोफीलिया वॉन विलेब्रांड डिजीज एंड इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, दिस ईयर इज द 30th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, द थीम ऑफ दिस ईयर ऑब्जर्वेंस इज Get plus involved। Vitamin rich diet और especially vitamin K। The International Organization World Federation of Hemophilia was established by a businessman Frank Schnabel in 1963।
आरबी भूसकुटे, आरबी भूसकुटे जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। आरबी भूसकुटे जी का हाल ही में अभी निधन हुआ है। आपको बताना है कि ये कौन थे, बताइए। फ्रीडम फाइटर थे, वेरी गुड, फ्रीडम फाइटर थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 94 साल की इनकी उम्र थी, ठीक है, 94 साल की जो है वो इनकी उम्र थी और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना जो है वो रोल प्ले किया। चलिए, रेपो रेट तो चेंज होती रहती, इस समय रेपो रेट क्या है कौन बताएगा आप में से मुझे, इस समय जो है वो रेपो रेट क्या है, व्हाट इज रेपो रेट नाउ? चार परसेंट है, आरबीआई ने जो है वो इसको कट करके 4% कर दिया है। 5.15 थी, 5.15 से 75 बेसिस पॉइंट कम की गई तो 4.4 हुई, 4 पॉइंट से जो है 40 बेसिस पॉइंट कम किया गया तो अभी 4% है। और जो रिवर्स रेपो है वो 3%, ठीक है, 3%। चलिए, डीजीएफटी ने इनमें से कौन सी दवा से बने हुए जो मिक्सचर्स हैं, जो फॉर्मूला हैं, उन पर से प्रतिबंध हटाए? जी मैं आपको बता दूं, HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर से भी जो है वो डीजीएफटी ने जो एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ था वो हटा दिया है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट बैन लगाया था वो हटा दिया है। ये भी न्यूज पुराना हो गया, इसको आप हटाइए। अब मैं आपको ले, आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस जो है वो लेकर के आना शुरू करूंगा, ब्रांड न्यू क्वेश्चंस। बताइए फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोगों के अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे वो क्लियर करिए। अपना एक सीरीज चल रहा था आरबीआई गवर्नर्स का, और वो सीरीज जो है वो बीच में थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह चेंज हुए तो इस वजह से वो सीरीज जो है वो रुक गया। बहुत अच्छा सीरीज था वो यार, और हम लोगों ने 3 गवर्नर जो हैं वो आपके देख लिए थे, है ना, 3 से ज्यादा देख लिए थे, बल्कि 6 देख लिए थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, जेम्स टेलर, सीडी देशमुख, बेंगाल रामा, बेनेगल रामा राजू, केसी अंबाव गेवनकर और एचबीआर लेंगर, ये जो है हमने देख लिए थे। इतने गवर्नर जो हैं वो हमने देख लिए थे, और एल के झा। आप में से कोई मुझे बताएगा, जब इंडियन बैंक का 1969 में 14 इंडियन बैंक को नेशनलाइज किया गया था, उस समय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, हु वॉज द गवर्नर देन? जब इंडिया में बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, हु वॉज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? एलके झा, वेरी गुड, ठीक है। ये भी एक इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर थे और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया था, और इनके टेन्योर में ही बैंकों के ऊपर जो है वो सोशल कंट्रोल लाया गया। सोशल कंट्रोल यानी कि एक आप कह सकते हैं जो शेयर होल्डर के बैंक से एक पीपल्स बैंक जो है वो इनको बनाया गया 1968 में, और 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया, ठीक है, जिसको आरबीआई ने इंडोर्स नहीं किया था, एमएनगदर डेवलपमेंट, गोल्ड कंट्रोल, ये सब जो है वो। तो एक एक करके मैं लूंगा इसको, ये बहुत बढ़िया सीरीज चल रही थी, इससे आपको आरबीआई का पूरा हिस्ट्री भी क्लियर हो जाता, आरबीआई का पूरा हिस्ट्री भी जो है वो आपका क्लियर हो जाता।
एल के झा के बाद बने गए थे बी एन अंडारकर, ठीक है। और ये इंडिया के एग्जीक्यूटिव भी रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ के लिए, भंडारकर साहब जो थे, ठीक है। इसके बाद बने एस जगन्नाथन, ये भी इंडियन सिविल सर्वेंट थे एस जगन्नाथन, और इन्होंने भी जो है मॉनिटरी पॉलिसी के लिए काफी काम किया, और इन्होंने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ के रूप में काम किया। इंडिया की तरफ से ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आईएमएफ में। इसके बाद बने एनसी सेन गुप्ता, 3 महीने के लिए रहे थे ये केवल। इसके बाद बने के आर पुरी, उसके बाद बने हैं एन नरसिम्हम, डॉक्टर आई जी पटेल, देन बने हैं आपके मिस्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी का जो टेन्योर है वो 82 से 85 यानी कि 3 साल के लिए रहा है, ठीक है। 82 से 85 मनमोहन सिंह जी जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहे, और मुझे लगता है कि शायद ये इतिहास में इकलौते होंगे। पूरी दुनिया का इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे तो ये शायद पहला जो है वो एक इकलौता एग्जाम्पल होगा कि किसी देश का इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट उसी देश का इतना बड़ा जो है वो नेता बना प्रधानमंत्री, और वो भी सोचिए 1982 से 1985 तक। कैन यू बिलीव, 2004 में जाकर के ये जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, और उससे 22 साल पहले यानी करीब 20 साल पहले ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, और बहुत ही कम एज में जो है ये बने थे, और बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अपने समय के मनमोहन सिंह जी। इनके पुराने इंटरव्यूज आप सुनिए, इनकी पॉलिसीज को आप देखिए, तो आपको पता चलेगा इस बंदे ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के कितना काम किया है। और ये मतलब एक एग्जाम्पल्स है बिल्कुल, आप मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि किसी देश का एक ही आदमी आरबीआई का गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो भी इंडिया जैसी कंट्री का। बात समझ रहे? तो ये एक बहुत ही आप कहना चाहिए कि आपको जो है वो देखना पड़ेगा मनमोहन सिंह जी का। अब कहां गए भाई साहब, अब तो ये जो है वो बीमार रहते हैं, अपने घर पे ही हैं, अब क्या। ए घोष बने हैं मनमोहन सिंह जी के बाद, ए घोष, उसके बाद बने हैं आर एन मल्होत्रा, फिर बने हैं वेंकट रमन, सी रंगराजन। मुझे जो याद है, मैंने जो नोट देखा है, मैंने नोट तो हालांकि देखा है आर एन मल्होत्रा के साइन का देखा है, ए घोष के साइन का देखा है, मनमोहन सिंह के साइन का देखा है, इन लोगों के मैंने लास्ट नोट देखा है। मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाता हूं। एक बार मैं अपने स्कूल में था, ये बात है करीब 9th या 10th की, मुझे आज भी बड़ी हंसी आती है इस बात को सुन करके, सोच के। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग अपनी फीस जमा कर रहे थे। हम लोग स्कूल में, पहले बच्चे जो है वो जाकर के फीस जमा कर सकते थे काउंटर पे, तो मैं भी अपना वाई वी रेड्डी का देखा है आपने, फिर काफी बाद का देखा है, वाई वी रेड्डी तो बहुत बाद में बने, ठीक है। तो मनमोहन, तो मेरे एक दोस्त के पास एक नोट था, 100 रुपीज का नोट था, और उस पर मनमोहन सिंह जी के साइन थे। तो पता नहीं वो नोट मेरे पास था या किसी और के पास था, तो हम लोग के लाइन में एक लड़का आगे खड़ा हुआ था, तो ऐसे ही पहले बच्चों को होता है कि भाई इस नोट पर किसके साइन है, बड़ा शौक होता है देखने का कि इस नोट पर किसका साइन है, इस नोट पर किसका साइन है, ये सब चीजें देखने में बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो हम लोग भी देखते थे, बता किसका सबसे पुराना नोट है, तो वो कहता था मेरा सही है जो है। ये बात है 2003 के आसपास की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2004-05 के आसपास की बात होगी, 2004 या 2005 के जो है वो बीच की बात रही होगी। तो एक बंदा था, उसके नोट पर मनमोहन सिंह के साइन थे, पता नहीं मेरे पास था या और किसी के पास था, मनमोहन सिंह। तो जो आगे लड़का खड़ा था वो बोला, अरे तेरा नोट तो नकली है। तो हम लोगों ने पूछा, भाई साहब क्यों नकली क्यों है? बोले इस पर जो है वो, और उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, 2004 या 5 की बात है, तो मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो बोला तेरा नोट तो नकली है, तेरे नोट पे तो उसके साइन है प्रधानमंत्री के, और इस पे तो जबकि आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं,
गलती से नकली छापने वाले ने प्राइम मिनिस्टर के साइन का नोट बना दिया है और तेरा नोट नकली है। अब उस समय तो हम लोग को पता नहीं था कि मनमोहन सिंह जी कभी रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर, पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था। तो जब हम काउंटर पे पहुंचे तो और नोट दिया वो जमा करने के लिए फीस को, तो उन्होंने लेकर के रख लिया। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा सर इस नोट पे मनमोहन सिंह जी के साइन है, तो इस पे तो लेकिन गवर्नर के साइन होते हैं आरबीआई के। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो गवर्नर है, मनमोहन सिंह गवर्नर रहे हैं पहले, बहुत पहले। तब उस दिन हमें जाकर के पता चला था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। तब हमें ये नहीं पता था कि आरबीआई का गवर्नर का इतना अलग रोल है और प्राइम मिनिस्टर का इतना अलग रोल है। तब हमें लगता था ये बड़ी बड़ी पोस्टें जितनी हैं सब एक ही तरीके की हैं, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। ये पता ही नहीं था कि अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है। तो ये बात सोच सोच के मुझे आज भी हंसी आती है। और वो लड़का जो है कितना परेशान हो गया था, उसने देखा अरे मेरे नोट पर जो है वो प्रधानमंत्री जी के सिग्नेचर है। चलिए दोस्तों, तो एक एक करके जो है इसी तरीके से पॉइंट को हम लोग डेली क्लियर करेंगे। आप सभी लोग अनअकैडमी के साथ बने रहिए, लाइव ड्यूटी रेफरल कोड का इस्तेमाल करिए और रेफरल कोड को मेरे यूज करिए, लाइव ड्यूटी को बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए। उमंग अनअकैडमी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लेट्स क्रैक एसएससी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मेरे सेशंस के सारे नोटिफिकेशंस और पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक, थैंक यू।